नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट खत्री और आप देख रहे हैं अपना चैनल लेट्स लर्न लॉ। जैसे कि मैं दिल्ली बार काउंसिल का सदस्य हूं, एक मेंबर हूं। मेरे पास एक नोटिस आया है हमारी मेंबरशिप की वेरिफिकेशन को लेकर, जो पहले भी 21 नवंबर 2023 और 28 नवंबर 2023 को आ चुका है, जो कि हमारी वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली बार काउंसिल के अंदर वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस और इस नोटिस के बारे में कि इस नोटिस के अंदर क्या दिया गया है और वेरियस एडवोकेट्स के लिए, जैसे कि जो कोई सीनियर एडवोकेट है, कोई न्यू बिगिनर एडवोकेट है, उसने जस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, उसके लिए अलग अलग क्या क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो एडवोकेट्स दिल्ली बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड है उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ कोई किसी और स्टेट की बार काउंसिल के लिए एनरोल्ड है जो एडवोकेट्स, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मान लीजिए एक बार काउंसिल ने कोई रूल बना दिया, उसी पैटर्न को लेकर दूसरी स्टेट्स की भी जो बार काउंसिल होती है वो रूल बनाती है। तो इस नोटिस में क्या दिया गया है, दिस इज इन सप्रेशन ऑफ अर्लियर नोटिस डेटेड, जो मैंने बताया था 21/11/2023 और 28/11/23 को, रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल्स 2015, इसके रिगार्डिंग ये नोटिस निकाला गया है। आगे दिया गया है, आफ्टर अपलोडिंग ऑफ द सेड वेरिफिकेशन फॉर्म्स एंड नोटिस, फ्रीक्वेंट क्लैरिफिकेशन वर बीइंग सॉट ऑन फील्ड ऑफ वेरिफिकेशन फॉर्म एंड डिक्लेरेशन फॉर्म्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्लैरिफाई करने के बाद ये फॉर्म्स निकाले हैं दिल्ली बार काउंसिल ने। तो आइए देखते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमें अपनी वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जो एडवोकेट्स 31 दिसंबर 1989 से पहले के एनरोल हैं, उन्हें अपना फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म ए भरना है। दूसरी कैटेगरी के अंदर द एडवोकेट्स इंक्लूडिंग नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर और या फिर कोई और भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं लॉ फॉर्म्स के अंदर, टैक्सेशन, ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा, हु वर एनरोल्ड ऑन एंड आफ्टर 1 जनवरी 1990 से लेकर 31/10/2016, और उनका नाम किसी भी बीसीडी इलेक्शन जो हुए थे उसके इलेक्टोरल रोल में है। वो भी डिक्लेरेशन फॉर्म ए फिल करेंगे। तो पहले में तो ये था जो 1989 से पहले के एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं उनको भी फॉर्म ए फिल करना है, और जो उसके बाद के 2016 तक है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह करते हैं ऑफिस में, नोटरी है, ओथ कमिश्नर है, वो भी फॉर्म ए फिल करेंगे। और जो एडवोकेट्स जो पिछले बार काउंसिल के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, तो उनको फॉर्म बी भरना है। और फॉर्म बी के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, जैसे कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB डिग्री एंड कॉपीज ऑफ 5 सर्टिफाइड एंड सेल्फ अटेस्टेड कोर्ट ऑर्डर्स डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, वकालनामा शोइंग 5 appearances। जो भी एडवोकेट्स पिछले बार काउंसिल के दिल्ली के इलेक्शन में एनरोल्ड नहीं थे, उनको इन सब सर्टिफिकेट्स और साथ के साथ अपनी 5 appearances के ऑर्डर को भी, सेल्फ अटेस्टेड ऑर्डर को भी अपलोड करना है, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आप फ्रीक्वेंट कोर्ट में जाते हो या नहीं। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी बनाई गई है वो ये है कि जो भी एडवोकेट्स 31 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक एनरोल्ड है दिल्ली बार काउंसिल के अंदर, तो उन्हें भी अपना जो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो सब अपलोड करने हैं। और साथ ही 5 appearances, जो हमारी 4th कैटेगरी आती है, दोज एडवोकेट्स हु वर एनरोल्ड ऑन एंड आफ्टर 1 जनवरी 2019 टिल डेट, 1 जनवरी 2019 से लेकर आज तक जिसने भी एनरोलमेंट करवाई है और उसने AIBE का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पास कर चुका है, वो उसको सिर्फ अपनी सर्टिफिकेट्स हैं वो जमा करवाने हैं। जो 2019 के बाद के एडवोकेट्स इनरोल हुए हैं उनको कोई भी अपीयरेंस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक नोट दे रखा है साथ के साथ वो एडवोकेट्स जिनका लास्ट जो बीसीडी इलेक्शन हुए थे उनके अंदर इलेक्ट्रोल में नाम था, जो नोटरी पब्लिक है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, वर्किंग लॉ फॉर्म्स में काम करते हैं, उन्हें जो है अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करने हैं, वो भी ये बताने के लिए कि वो एक्टिव प्रैक्टिस में हैं। और जो लास्ट कैटेगरी ई कैटेगरी बनाई गई है वो सीनियर एडवोकेट्स के लिए बनाई गई है और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके लिए है। द डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स एंड एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू फिल अप ओनली फॉर्म ई। तो ये 5 कैटेगरी बनाई गई थी। इसके साथ साथ ये दिया गया है कि जो पिछले जो नोटिस थे वो रिमूव कर लिए गए हैं वेबसाइट से, और ये भी दिया गया है मान लीजिए जो पिछले 2 नोटिस थे उनके बाद जो एडवोकेट्स ने अपना वेरिफिकेशन फॉर्म भर दिया था उनको अब दोबारा से अपना वेरिफिकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लास्ट डेट है वेरिफिकेशन फॉर्म भरने की वो है 31/3/2024। और तो आइए एक बार इस वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि क्या आता है। जो ये है दिल्ली बार काउंसिल की वेबसाइट है, इस पे लिखा हुआ है फिलहाल। अगर हम ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करते हैं तो अभी ये आता है, डियर मेंबर्स प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली वेरिफिकेशन वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। अभी जो ये वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है। वी विल अपडेट इट एज सून एज पॉसिबल। द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द वेरिफिकेशन फॉर्म शैल बी एक्सटेंडेड, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। तो अभी ये जो वेबसाइट है वर्किंग नहीं है, कुछ मेंटेनेंस चल रही है इसके अंदर। जैसे ही वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न लॉ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना चैनल लेट्स लर्न लॉ।